तो चलो प्यारे बच्चों, आई होप ये आप अच्छे होंगे और इससे पहले वाले गॉस थ्योरम के दो एप्लीकेशन और गॉस थ्योरम का डिटेल वीडियो आप देख लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन नंबर थर्ड। इसमें कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्पीयर। नॉन कंडक्टिंग स्पीयर मतलब एक ऐसा स्पीयर जिसके पास पहले से कुछ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, मतलब एक ऐसा स्पीयर जिसके अंदर यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यार समझ रहे हो, तो अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है वॉल्यूम चार्ज, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होता है चार्ज अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो चार्ज की वैल्यू यहाँ क्यू है और पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 πr³ है। तो टोटल चार्ज इसके अंदर जो आया होगा वो क्यू आया होगा 4/3 πr³ और मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी चार्ज डेंसिटी रो वॉल्यूम भी। ये दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, जो कि बिखरा हुआ है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं बाहर में निकालता हूँ। ठीक है, लेट द पॉइंट पी, केस फर्स्ट में जो है पॉइंट पी आउटसाइड स्पीयर है, मतलब अगर ये स्पीयर है जिसके अंदर कुछ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है अंदर में, यहाँ पे ये सॉलिड स्पीयर है, प्लास्टिक का बॉल समझ सकते हैं इस टाइप से। तो पॉइंट पी इसका खुद का रेडियस मैं कैपिटल आर लिया हूँ और ये जो पॉइंट पी है यहाँ पर है, पॉइंट पी आउटसाइड है स्मॉल डिस्टेंस पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रा कर लेता हूँ। ये वाली जो है गॉसियन सरफेस है, इसका यहाँ 2D व्यू देखो। ये वाला जो है इसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ऐसे कुछ, ये वाला जिसमें अंदर में वॉल्यूम चार्ज है ये वाली। तो अगर ये वॉल्यूम चार्ज है तो इसका खुद का रेडियस कितना भाई, कैपिटल आर। और ये जो पॉइंट पी है अभी यहाँ पर सिचुएटेड है बाहर में, जो कि स्मॉल आर है और स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यहाँ पर निकालना है। ये जब ग्रीन वाला स्पीयर आप देख रहे हो, ये एक हमारे पास गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस क्योंकि मैं गॉस थ्योरम लगाने जा रहा हूँ तो मुझे चार्ज को अंदर में इनक्लोज करना ही पड़ेगा। ठीक है, बंद करना पड़ेगा, तो मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से बंद कर दिया है। ठीक है, अब देखो हम सबको पता है कि ये जो चार्ज है, अब बाहर से अगर देखोगे आर डिस्टेंस है, ऐसे बिहेव करेगा कि सारा का सारा चार्ज वो क्या है, पॉइंट सेंटर पर फोकस हो क्योंकि बाहर के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो ये एक छोटा सा एरिया लेता हूँ मैं, ऐसे ही लगाते हैं, एक छोटा सा एरिया लेते हैं। तो इस पे जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की साइड जाएगा, उसको मैं ds वेक्टर बोलता हूँ। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जाएगा, इलेक्ट्रिक प्लस चार्ज का है। तो ये अगर मैं ये एरिया यहाँ लेता हूँ तो यहाँ पर जो है एरिया वेक्टर इधर आएगा ds वेक्टर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। बात समझ में आए, मतलब मैं किसी भी पॉइंट पे देखूंगा तो ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल आएंगे, थीटा इनके बीच का क्या होगा, जीरो होगा। यार बात आ रहा समझ में, तो अगर ये थीटा जीरो होगा तो अब मैं गॉस के थियरम से मैं इस इक्वेशन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। गॉस का थियरम क्या कहता है, नेट फ्लक्स पाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस और चार्ज इनक्लोज्ड अंदर में टोटल चार्ज कितना आया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ई डी एस कॉस जीरो और इंटीग्रेशन और एस। ठीक है, और इसके अंदर टोटल चार्ज, ये जो सारे के सारे चार्ज हैं प्लस वाले, ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि इस सरफेस के अंदर आ जाएंगे, इस वाले गॉसियन सरफेस के अंदर में है। ठीक है, इस वाले कैसे तो ऐसे बिहेव करें जैसे सेंटर पे है, तो चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड में क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन बाहर है। तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और इंटी कॉस 0 1 हो गया और ये डी एस अब आ गया, ये वाला डी एस सरफेस का इंटीग्रेशन और चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ गया और इसका इस पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन मतलब सरफेस एरिया 4π r² का स्क्वायर और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4π ε₀ स्मॉल आर स्क्वायर। दिस इज बेसिकली क्या भाई, ये टोटल का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस स्पीयर के बाहर में, यहाँ इस पॉइंट पे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन आउटवर्ड होगा।
अगर मैं इस इक्वेशन को चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहूँगा तो क्यू चार्ज इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई वह वॉल्यूम जिसमें चार्ज है, तो कौन से वॉल्यूम में चार्ज है, 4/3 पाई आर क्यू, तो ये टोटल चार्ज इस स्पीयर के अंदर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बनेगा यहाँ से 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू और डेंसिटी रो डिवाइड कर दूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर, तो यहाँ से 4 पाई ऊपर से 4 पाई कट गया, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो आ जाएगा रो आर की पावर क्यू डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ से तुम देखोगे ये जो इक्वेशन है वो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर तुम देखोगे यहाँ से, मतलब अगर स्पीयर है उस स्पीयर के बाहर में अगर ग्राफ देखोगे तो बाकी टर्म सारे कांस्टेंट आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r के स्क्वायर से वेरी करेगा, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन में जो बाकी तारे रो है डेंसिटी है यूनिफॉर्म डेंसिटी कांस्टेंट है 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो ये हमने बाहर में निकाल लिया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अंदर में। अगर अंदर में सरफेस पे आ जाओ, तो सरफेस पे अगर आओगे तो क्या होगा भाई, ये स्पीयर है जिसमें पूरी तरह से यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी था, जिसका सेंटर ओ था, समझ रहे, और जिसकी रेडियस कैपिटल आर था। तो पहले पॉइंट पी यहाँ था आउटसाइड, अब ये पॉइंट पी यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो अगर ये पॉइंट पी स्मॉल आर डिस्टेंस पर आ गया सरफेस पे, तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर के, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों वो मैक्सिमम हो जाती है, और क्यू इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर के स्क्वायर हो जाएगी, जो कि एक सरफेस पे कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, ये चेंज नहीं हो रहा है ये वाली चीज़। अगर तुम इसको देखोगे, हाँ, चार्ज डेंसिटी के टर्म में देखोगे, चार्ज डेंसिटी में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई चार्ज की वैल्यू चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड हुआ वॉल्यूम जिसमें चार्ज है, तो 4/3 पाई आर क्यू और डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर, तो यहाँ से 4 पाई खत्म हो गया, तो यहाँ से रो कैपिटल आर और 4 पाई यहाँ से 3 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू ये कांस्टेंट है सरफेस पे, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है जो कि चेंज नहीं हो रही है, ये वाला। चलो अब इसी तरह से अंदर में आओ, ठीक है, इनसाइड। जब इनसाइड आ जाओगे तो इनसाइड थोड़ी सी स्टोरी कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि इनसाइड जो है देखो ये पूरा का पूरा ऐसे चार्ज वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूट था, ये अंदर भी है और ऐसे, ठीक है, ये वाला, ये पूरा का पूरा बड़ा वाला स्पीयर है ये, तो बड़ा वाला स्पीयर ऐसे था और ये सेंटर ओ है और ये जो है ये कैपिटल आर था, और यहाँ से मुझे स्मॉल आर डिस्टेंस पर चाहिए, तो ये स्मॉल आर, तो ये जो मैं दूसरे कलर से ये वाला स्पीयर बनाऊंगा हूँ, ये एक गॉसियन सरफेस है जो कि अंदर है, गॉसियन सरफेस है जो कि इनसाइड है। पहले अपना स्पीयर ऐसे था यार, समझ रहे ना, पहले अपना स्पीयर ऐसे था अपना स्पीयर जिसमें अंदर पूरी की पूरी चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, समझ रहे। अब ये इसकी रेडियस कैपिटल आर थी, अब इसके अंदर मैंने एक छोटा गॉसियन सरफेस बना लिया और उस गॉसियन सरफेस को मैं यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट किया हूँ, समझ रहे हो बात को, ऐसे ये मैंने एक गॉसियन सरफेस ऐसे बना लिया ये, क्योंकि मुझे इनसाइड चाहिए जो कि यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, ये वाला जिसमें कुछ वॉल्यूम चार्ज आया होगा, तो ये वाली चीज़ मैं बनाया हूँ यहाँ, दूसरे कलर से दिखाया, ठीक है। तो चलो अब देखो यहाँ इस गॉसियन सरफेस का सबसे पहले क्या लॉजिक है भाई, गॉस लॉ। तो ये जो गॉसियन सरफेस अंदर है, तो इसमें टोटल चार्ज इधर इस स्पीयर में टोटल चार्ज कितना था क्यू, तो इस वाले गॉसियन सरफेस जो कि हमारे लिए है उसमें चार्ज डी क्यू आया होगा, जो कि हमें पता ही नहीं है डी क्यू कितना, बट डी क्यू को निकाला जा सकता है, डी क्यू इज इक्वल टू बोलो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई इस छोटे का वॉल्यूम, ठीक है, समझ रहे हो, पर सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम हमें चार्ज पता हो, ठीक है, तो ये मतलब कितने वॉल्यूम में चाहिए मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा ना, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम डेंसिटी है और मल्टीप्लाइड बाई ये वाली डेंसिटी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 4/3
पाई कैपिटल आर क्यू और मल्टीप्लाइड बाई छोटू बोलूँ 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो स्मॉल चार्ज जो डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो 4/3 पाई ने कट दिया तो स्मॉल क्यू टोटल चार्ज स्मॉल रेडियस आर की पावर क्यू और कैपिटल की पावर क्यू, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट इन साइड द गॉसियन सरफेस। अब मैं गॉस का थ्योरम लगाऊं तो टोटल फ्लक्स पाई इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज ई डॉट डी एस, चार्ज इनक्लोज ई डॉट डी एस, चार्ज अंदर में अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस पे मैं अब एक छोटा सा सरफेस बनाऊंगा, ध्यान देना, यहाँ पर ये अपना गॉसियन सरफेस है ये वाला अंदर में, तो यहाँ पर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले के चार्ज की वजह से होगा ही नहीं, भाई पढ़े हो गए आप बेसिक है, जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बाहर वाले चार्ज कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है और आउटवर्ड है, एरिया वेक्टर यहाँ इधर जाएगा, एरिया वेक्टर इसका डी एस एरिया वेक्टर इधर जाएगा, और इस एरिया वेक्टर को, ये जो एरिया वेक्टर है आउटवर्ड आएगा ना भाई, तो आउटवर्ड आएगा तो डी एस वेक्टर इधर आएगा, थीटा कितना बना बोलो, तो थीटा बना 0 डिग्री, बात समझ में आया। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ई डी एस कॉस 0 इंटीग्रल ऑफ द सरफेस अंदर वाले, दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड डी क्यू अंदर में चार्ज आया एप्सिलॉन, बाहर वाले चार्ज कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड में बाहर आ गया हर पॉइंट पे, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस छोटे से सरफेस का इंटीग्रेशन और डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूंगा, इसको सॉल्व करो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, डी क्यू चार्ज पहले से आया है 1/εo और यहाँ से क्यू आर की पावर क्यू और ये अपन कैपिटल आर की पावर क्यू। ठीक है, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, एक आर यहाँ से आर स्क्वायर एक आर बचेगा यहाँ, तो क्यू अपन आर यहाँ से 4πε0 आर की पावर क्यू, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द स्पीयर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको चार डेंसिटी के टर्म में लिखोगे, इसका मतलब बाकी सारे टर्म कॉन्स्टेंट है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जैसे जैसे सेंटर से दूर जाओगे आर एक वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएगी और डायरेक्शन आउटवर्ड है क्योंकि प्लस है। चार डेंसिटी के टर्म में लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्यू चार डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वह वॉल्यूम जिसमें चार्ज है 4/3 पाई आर क्यू, दिस इज द अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज मल्टीप्लाइड बाई आर और डिवाइडेड बाई 4/3 यहाँ से 4πε0 आर की पावर क्यू, तो यहाँ से 4π ने 4π को यहाँ से ख़त्म कर दिया और यहाँ से आर क्यू ने आर क्यू को ख़त्म कर दिया, तो यहाँ से रो अपॉन आर और यहाँ से 3 times एप्सिलॉन नॉट बचा, दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द टर्म ऑफ चार डेंसिटी। तो ये वाली चीज चार डेंसिटी के टर्म में ये है। तो कुल मिला के आई होप कि आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया कि अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेंटर से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब लास्ट पॉइंट जो इसमें आर्टिकल बचा बच्चों वो है ग्राफ। अब ये पूरा जो हम डिराइव किए हैं उसका एक ग्राफिकल एनालिसिस कर लेते हैं। ग्राफ मैं हमेशा कंप्लीट बनाता हूँ, तो ये वाली चीज़ ग्राफ देखना, ये अंदर में चार्ज इसे डिस्ट्रीब्यूट था, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी थी जो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस की ये वाला। अब मैं सेंटर से दूर जाऊँगा, अगर मैं सेंटर से दूर जाता हूँ तो मैं सेंटर से एक बार इधर जाऊँगा तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में आएगा और जो आर है ये पोजीशन वेक्टर आ रहा है वो भी इधर है तो वो भी पॉजिटिव है। फिर मैं सेंटर कहाँ जाऊँगा, इन्फिनिटी तक जाऊँगा। ठीक है, यहाँ से तुम देखोगे एक बार अगर मैं इधर जाऊँगा तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। ठीक है, और जो आर आएगा वो भी इधर ही आएगा निगेटिव। तो ये वाली चीज़, तो ये बात क्लियर हो गया, इसका ग्राफ फर्स्ट कॉर्ड में। तो अंदर में जब यहाँ से यहाँ तक बात करो, अंदर मतलब बोले तो देखो पिंक कलर से अंदर मतलब यहाँ से यहाँ ये वाली डिस्टेंस अंदर वाली। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर, फिर बाहर में यहाँ से लेके यहाँ ये वाली।
ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। तो अंदर में तो अभी हम लोग निकाले हैं ना प्यारे बच्चों, देखो अंदर में अभी मैं निकाला हूँ यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर में जो फील्ड है उसकी वैल्यू है इज इक्वल टू, वो आती है अभी आई थी के क्यू स्मॉल आर अपन कैपिटल आर क्यू, ये वाला मतलब ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनसाइड, जैसे जैसे ये सेंटर है तो सेंटर पर आर की वैल्यू जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी भाई, जीरो है सेंटर यहाँ पे। अब जैसे जैसे दूर बढ़ोगे ये इनसाइड स्टोरी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये टॉप पॉइंट है, सरफेस है, एट सरफेस। सरफेस पे क्या हुआ होगा भाई, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है, जिसकी वैल्यू है के क्यू ओवर आर का स्क्वायर, कांस्टेंट है। अब ये वाली यहाँ ये ऐसा ग्राफ आएगा, यहाँ से लेके हाँ ओ से ए तक, ठीक है, ए से लेके बी या इन्फिनिटी तक, ये वाला पॉइंट आउटसाइड है। और आउटसाइड आपको ग्राफ पता है कैसा आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू ओवर स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब ई इज प्रोपोर्शनल टू वन अपन आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला बाहर में आ गया, ये वाला कर्व यहाँ से लेके यहाँ, नहीं पता चला, देखो यहाँ से ये वाला, ये बाहर में आ गया और ये अंदर वाला है, ठीक है। ये तो यहाँ से तुम देखोगे बहुत, जब दूर चले जाओगे इन्फिनिटी, ये जो पॉइंट है, ये जो ग्राफ जा रहा है इन्फिनिटी को टच कर रहा है, तो ये जब ई अप्रोच टू जीरो अप्रोच कर रहा है, क्योंकि आर यहाँ पर अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी, तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ, अब ये यहाँ से तुम देखोगे ऐसे, ये वाली चीज़, ये यहाँ से ये, ठीक है ना, ये वाली चीज़ ये, ठीक है। चलो अब इस साइड जाओगे तो सेम स्टोरी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, ठीक है, जो कि निगेटिव है, यहाँ पर ई इज प्रोपोर्शनल टू आर इनसाइड है, और यहाँ पर ऐसे इसको जाके इन्फिनिटी को टच करेगा, ई इज प्रोपोर्शनल टू वन अपन आर स्क्वायर, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा ये वाला, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, बेहतर तरीके से हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए, ग्राफ डेंसिटी के टर्म में, चार्ज के टर्म में, ये सारे डेरिवेशन कर दिए, और बेहतर तरीके से आप इसको प्रॉपर नोट्स बना लेना, और कई बार वीडियो देखना समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत है तो कमेंट करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।